नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, आपके यहां अगर लगातार बारिश हो रही है, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन लगातार बारिश हो रही है, जैसे कि कलकत्ता में हमारे पिछले तीन दिन में काफ़ी बारिश हुई, कल में एक दिन में 140 मिलीमीटर बारिश हुई है। सोच सकते कितनी बारिश, सारे जो रास्ते हैं, जो छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें सड़क में पूरा पानी भर गया है। तो इस तरह क्या होता है, इससे हमारा जो गार्डन है इसमें काफ़ी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि गार्डन में जो पौधे पत्ते हैं ये सब सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो आपको कैसे ये पौधे को बचाएं, तो पहले मैं बता दूंगा, तीन टिप्स बताता हूँ। पहला कि आप जब भी वेदर फोरकास्ट में देखें कि तीन दिन, चार दिन लगातार बारिश हो रही है, तो आप कोशिश करें आपका कोई बरामदा में कोई इलाका है जहाँ का सेफ एरिया में आपका पौधा रख दे, ताकि इसमें लगातार जो बारिश है उस पानी से बचाया जाए। अगर 10-12 घंटा बारिश हो रही है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लगातार तीन दिन, चार दिन तक बारिश हो रही है तब पौधे में काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास बरामदा नहीं है तो आपको एकदम ध्यान रखें कि आपकी जो मिट्टी है ये बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए कि आपके यहाँ बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। तीन दिन, चार दिन बारिश होने के बाद भी कुछ भी टाइम आपका पानी नहीं बचे। इस तरह से देखिए, मेरे ज़्यादातर जो पौधे हैं वो मेरे ऐसे ही लगाए रखें कि इसमें पानी नहीं जमता, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पौधे में पानी जम जाता है। उसकी मिट्टी अगर ठीक नहीं है, लेकिन गमले के अगर नीचे छेद ठीक नहीं है, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए, इसमें देखिए पानी जमा हुआ है, इसमें भी पानी जमा हुआ है। और अगर ये पानी जमा रह गया दो दिन तक, तब आपके ये जो सारे जो हैं ये सारे पौधे सर के गल के पहुँच जाएंगे। तो ये तो मैंने एक तो यहाँ जीजी प्लांट का कटिंग लगा रखा था, और ये जो है कुलियस का प्लांट है, ये तुलसी का प्लांट है, और भी कुछ प्लांट है। तो आप देखते हैं मैं आपको क्या करना हो यहाँ पर। ये जो है ये गुल मेहंदी का प्लांट है, आप देखिए। आप कोशिश करिए कि इसको ऐसे करें कि इसके नीचे से जो छेद है, छेद देखिए, ये तो देखिए सारी जो रूट्स है इसमें से अटक गई है। इस छेद को अच्छी तरह से खोल दें आप। खोलने के बाद देखिए सारा पानी निकल गया है, और कोशिश करके दो ईंट जो ले, दो ईंट के बीच में इसको अगर रख देंगे तो ये छेद कभी बंद नहीं हो पाएगा। इसको भी मैं दिखा देता हूँ किस कैसे। ये प्लास्टिक का गमला है, प्लास्टिक के गमले में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हालांकि इसमें काफ़ी सारे छेद है। इसकी जो सॉइल मिक्स है ये सही ढंग से बनाई नहीं गई है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। इसमें अब जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए पानी सारा निकल गया थोड़ा बहुत। ये आपको ध्यान देना है कि पानी आपका निकलना ही चाहिए, अगर पानी नहीं निकलेगा तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है पौधे में। अगर आपको मैं आपको दिखाता हूँ अब क्या, अगर आपका तीन दिन, चार दिन बारिश हो गई तो आप उसमें क्या स्प्रे करेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ। पहले तो आपको स्प्रे करना पड़ेगा ये टाटा का ब्लाइटॉक्स आता है, ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये टाटा का ब्लाइटॉक्स है, ये ब्लू कॉपर नाम से भी आता है। करीब ले 5 ग्राम ले आप 2.5 लीटर पानी में, यानी कि 2 ग्राम पर लीटर। हम 5 ग्राम ले लेते हैं 2.5 लीटर पानी में, और इसको अच्छी तरह से घोल लें आप। घोलने के बाद सब पौधे के मिट्टी में, ये जो जमीन है मिट्टी में, ये स्प्रे नहीं करना है। आप अच्छी तरह से घोलने के बाद इसकी मिट्टी में डाल दें सारे जितने भी पौधे हैं आपके। इससे क्या होगा, रूट से जो फंगस आता है, सारे रूट से फंगस आपका बच जाएगा, और रूट से फंगस आपका आएगा नहीं, और इससे पौधे की जो जड़ें हैं वो जड़ें गलेगी नहीं। ये है पहला तरीका। अब दूसरा एक तरीका मैं दिखाता हूँ आपको, एक आता है एमिस्टर। ये एमिस्टर आता है, ये एजोक्सी स्ट्रॉबिना, इसका केमिकल नाम एजोक्सी स्ट्रॉबिना 23% आता है। ये आपको अगर लेंगे तो 1 ml पर लीटर एजोक्सी स्ट्रॉबिन है 23%, ये आप ले 1 लीटर पानी में 1 ml। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, 1 ml लें, इसमें 20 ड्रॉप्स होते हैं, और ये आप पत्ते में और टहनियों में स्प्रे करेंगे। ये जब घोलेंगे आप, इसका दूध का जैसा कलर होगा, और उसके बाद जो जो पौधे में है इस तरह से आप स्प्रे कर दें सारे पौधे में। और उससे भी अच्छा होगा, अगर आपको बहुत अच्छा इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो सबसे अच्छा है आपको पास एमिस्टर टॉप आता है, एक एमिस्टर टॉप, उसमें एजोक्सी स्ट्रॉबिन होता है, डिफेनकोनाजोल होता है। एजोक्सी स्ट्रॉबिन होता है 20%, और डिफेनकोनाजोल होता है 12.5%। वो सबसे अच्छा काम करता है, एमिस्टर टॉप लीजिए, ताकि आपको सारा काम एक साथ वो एक ही फंगीसाइड में हो जाएगा। ये सिस्टेमिक फंगीसाइड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंगीसाइड, सारे पौधे में आप टहनियों में, पत्ते में स्प्रे कर सके तो पत्ते ख़राब नहीं होंगे। तीसरा एक है, अगर आप देख रहे हैं इस तरह के पौधे ये सड़ जा रहे हैं, पौधे सड़ गए पत्ते, ये भी देखिए पूरे सड़ जा रहे हैं। अगर आपको फिर से बचाना है तो आपको ये ले प्लांटोमाइसिन,
ये प्लैंक्टोमाइसिन में स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन 9% है और 1% टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन 9% स्ट्रेप्टोमाइसिन 1% टेट्रासाइक्लिन, इसको 1 ग्राम लेते आप 1 लीटर पानी में लेके इसको स्प्रे कर देंगे आप, तो आपका कोई भी जो पौधे, सारे जो पौधे खराब हो गए हैं, सर गए हैं, मर रहे हैं, तो आपके जो पौधे हैं फिर से आपको जिंदा हो जाएंगे। तो ये बारिश के दिन में आपको बिल्कुल जितना ध्यान आपको रखना है, तो आपको बारिश के दिन में इतना सा ध्यान आप रखेंगे तो आपके पौधे बिल्कुल सही रहेंगे। तो ये 3 टिप्स मैंने आपको बताया, जरूर फॉलो कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माय पैशन हिंदी भाषा में नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ आपको। इस चैनल में आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।